श्याम कुमार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज मैं बना रही हूँ आलू की रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ आलू की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने आलू धो के छील लिए हैं और इस शेप में काट लिए हैं। तो आज मैं आपके साथ आलूओं की ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही ईजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया हमारा ऑयल, और थोड़ा सा इसमें हमें ज़्यादा चाहिए। बस थोड़ा सा हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। ये तीन मिर्चें हैं सब्ज़ मिर्चें, ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी। अब ये इस रेसिपी में प्याज नहीं डलेगा, ब्राउन हो गई, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी राई। नमक हम इसमें बाद में डालेंगे, आलू डालेंगे ना उसे हम दूध डालेंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, टमाटर घुल जाएंगे, उसके बाद हम आलू डालेंगे। फिर यहाँ पे हम डाल देंगे आलू, इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें डाल दूँ, हमारी ग्रीन मिर्चें बहुत तेज़ हैं, इसलिए थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दूँ। अगर ग्रीन मिर्चें उतनी ज़्यादा तेज़ ना हो तो फिर आप ज़्यादा मिर्चें ब्लैक वाली डाल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगे। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सिरका, इसमें मैं डाल दूंगी नमक। अब इसे डाल देंगे मिक्स और ऊपर से लगा देंगे ढक्कन। आलू हमारे डाल जाएंगे तो फिर इसके दोबारा फ्राई करेंगे अच्छी तरह, और हमारे बीच फ्राई हो जाए। ये हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा इनमें कसर है, इसमें मैं थोड़ी सी दही डाल दूँगी ताकि ये इसके पानी में गल जाए अच्छी तरह। अगर आपके आलू ना गलें तो आप पानी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं पानी नहीं डालूँगी, मैं इसको इसी दही के अंदर गलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि पानी डालेंगे ना तो कुछ ये सालन टाइप बन जाएगा। तो ये भुने हुए आलू इस तरह दही डालूँगी ना, इसी के अंदर ये गल जाएंगे, तो फिर ये बहुत मज़े के भुने हुए आलू बन जाएंगे। नहीं तो फिर ये पानी डाल दिए तो फिर ये क्रिस्पी नहीं जाएंगे और इनका वो मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप लोग इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हो तो इसमें लाल मिर्चें डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाली, मैंने इसको ब्लैक मिर्चें ब्लैक डाली है, मिर्चें काली मिर्चें डाली हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रीन मिर्चें थी ना वो बहुत तेज़ थी, मतलब कड़वी थी, फिर ज़्यादा मिर्चें। अगर आप लोग ज़्यादा मिर्ची खाते तो आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये तकरीबन दो में रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी एक नींबू, नींबू निचोड़ के, और ऊपर से धनिया डाल देंगे, और सालन हरा भुना हुआ आलू हमारा तैयार है।